एक लेडी जिस भी सिटी में जाती है वहाँ के आदमियों के साथ उसका अफेयर हो जाता है। अब वो एक न्यू सिटी में है तो क्या हमारी मेन कैरेक्टर मेक का हस्बैंड उसे बच पाएगा? उसके यहाँ आने के पीछे इरादे क्या थे? यह हम आज की हमारी मूवी अ गुड वुमन 2004 की एक रोमांटिक ड्रामा हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। ये मूवी एक ऐसे ट्विस्ट के साथ आती है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ अमीर औरतों को हमारी मेन कैरेक्टर आर्लिन के बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा बोलते हुए देख सकते हैं। एक्चुअल में टेबल की हर एक अमीर औरत के हस्बैंड के साथ आर्लिन का अफेयर था। आज आर्लिन को मिलने के लिए कोई आदमी आ रहा था और उसके पास वो नहीं आता। आर्लिन के पास कोई भी पैसे नहीं थे। वेटर उसके पास आया और ये बात उसे समझ में आ गई। वो उसे कोई भी बिल नहीं मानता। आर्लिन बाहर जा रही थी तो अलग वेटर उसके लिए बिल लेकर आया। उसे पैसों की बहुत ही कमी आ गई थी तो अपने जेवर वगैरह सब कुछ सेल कर इस सिटी उसे छोड़नी पड़ती है। वो शिप लेकर अब इटली पहुंची। वहां के न्यूज़पेपर में उसे एक बहुत ही अमीर आदमी के बारे में पता चला, पर वो मैरिड था। पर इस बात से आर्लिन को कोई भी फर्क पड़ने नहीं वाला था। अगले सीन में हम उस अमीर आदमी रॉबर्ट और उसकी वाइफ मेक को देखते हैं। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आए थे पर रॉबर्ट जरा बिजी हो जाता है तो उन्हें पहचानने वाली लेडी एक शॉप में मेक को लेकर गई। यहाँ पर डार्लिन नाम का आदमी मेक को फर्स्ट टाइम देखता है और उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। वो तुरंत उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया। कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के लिए भी ग्लो लेना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ भी उसी की तरह है तो क्या मैं ग्लो आपको पहना सकता हूँ? मेक इस बात के लिए मान गई। थोड़ी देर में मेक के हस्बैंड को लेकर वो लेडी फिर से वापस आती है। उसने उसे कहा कि इसके साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट मत कर दो। एक्चुअल में डार्लिन हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता था। वो मिडिल एज था पर अब भी उसकी शादी हुई नहीं थी। डार्लिन का मानना यह था कि अभी भी वो सच्चे प्यार को ढूंढ रहा है। रॉबर्ट और मेक अभी अभी सिटी में मूव हो रहे थे तो अलग अलग जगह देख रहे थे। उन्हें एक पैलेस पसंद आया तो रॉबर्ट ने मेक के लिए बाय कर लिया। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश थे। डार्लिन और रॉबर्ट ये अपने बिजनेस में एक साथ काम करने लग गए तो इस वजह से फ्रेंड बन गए थे। इस टाइप की सिटी थी कि जहां पर हर एक चीज को लेकर गॉसिप होती थी। सारे रिच लोग एक दूसरे को जानते थे। एक रात पार्टी में मेक को अकेला देख डार्लिन उसके पास आ गया। उसने उसे ड्रिंक के लिए पूछा तो मेक उसे मना कर दिया। कहती कि मेरी फैमिली में कोई भी ड्रिंक नहीं करता। वो अपने बचपन के बारे में बताने लग गए तो जब वो बहुत ही छोटी थी तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। बाद में उसके फादर भी गुजर गए तो फादर की सिस्टर ने उसे छोटे से बड़ा किया था। अपने मदर की एक बहुत ही पुरानी फोटो ही मेक के पास है जिसमें भी आप कुछ भी सही से देख नहीं पाते। डार्लिन ने मदर की फोटो देखकर कहा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी मदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। इस तरीके का डार्लिन का फ्लर्ट करना मेक को अच्छा नहीं लगता। डार्लिन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, इन सब चीजों से मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं है। मेक का बर्थडे अब पास आ रहा था तो उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए रॉबर्ट एक ज्वेलरी शॉप में आता है। वहां पर अर्लिन भी थी। रॉबर्ट से कहती है कि वाइफ के लिए कभी भी ज्वेलरी बाय मत करना, उसे लगेगा कि शायद तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और दूसरी लड़की को भी तुम ज्वेलरी ही गिफ्ट करते हो, तुम्हें उसे कुछ स्पेशल देना चाहिए। एक हैंड फैन उसे बहुत ही अच्छा लगा था तो उसे वो सजेस्ट करती है। शॉपकीपर ने रॉबर्ट से कहा कि मैं सेल नहीं करना चाहता, पर रॉबर्ट को इतना अच्छा लगा था तो बहुत ही ज्यादा पैसे देकर उसे बाय कर लेता है। घर जाते वक्त रॉबर्ट ने अर्लिन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। ये सारी चीजें उनके फ्रेंड्स देख रहे थे। उन्हें लगने लग गया कि शायद अर्लिन और रॉबर्ट में अफेयर चल रहा है। इस सब में डार्लिन भी था। अपने बर्थडे गिफ्ट को लेकर मेक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। एक दिन शॉपिंग करते हुए आर्लिन से उसकी मुलाकात हुई। आर्लिन एक ड्रेस ट्राई कर रही थी और उसे पूछती है कि कैसे देख रहा है। मेक ने कहा कि ये ड्रेस जरा छोटी है। आर्लिन ने कहा कि आदमियों को ये सब ही पसंद आता है। मेक ने कहा कि मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ, उसे ये सब पसंद नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट की फ्रेंड उस पर नजर रखने लग गए थे। आजकल वो सबसे छुपते छुपाते आर्लिन के घर पर जाने लग गया था। उसके पीठ पीछे वो बहुत ही बुरी बुरी चीजें बोला करते थे। एक दिन मेक और रॉबर्ट को लंच पर ले जाने के लिए डार्लिन पहुंच जाता है। अचानक से रॉबर्ट को आर्लिन का कॉल आ गया। वो कहता है तुम्हें इस तरीके से घर पर कॉल नहीं करना चाहिए, वो अभी के अभी उससे मिलना चाहती थी। मेक और डार्लिन के साथ अपना लंच का प्रोग्राम उसे कैंसिल करना पड़ता है। उसने कहा कि तुम दोनों लंच के लिए चले जाओ। आसपास घूमते हुए डार्लिन ने रॉबर्ट के चेक देखे और उसमें आर्लिन के नाम पर उसने कुछ पैसे किए हुए थे। इन चेक्स की वजह से उनका अफेयर कन्फर्म हो जाता है। इस सिटी के और एक अमीर आदमी जिसका नाम था टप्पी, उसके साथ भी आर्लिन का मिलना जुलना होने लग गया था। एक दिन उनके फ्रेंड्स डिस्कस करते हुए कहते हैं कि शायद आर्लिन और रॉबर्ट इन दोनों में चक्कर चल रहा है, ये बात उसे बता देते हैं। टप्पी ने कहा कि रॉबर्ट सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट देख रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लंच के लिए डार्लिन मेक को सी के पास लेकर आया। मैंने कहा कि हम दोनों तो रेस्टोरेंट में जाने वाले थे।
डार्लिन कहता है, इतनी अच्छी खुली हवा है, इतना अच्छा लंच तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। रॉबर्ट अर्लिन के पास पहुंचा तो अर्लिन के सर्वेंट भी उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें उनके अफेयर के बारे में पता था। थोड़ी देर में रॉबर्ट कहता है कि मैं सिर्फ लंच के लिए गई है, मैं लेट हो गया तो शायद उसे शक चला जाएगा। वो अर्लिन को कुछ पैसे देकर जाता है। अर्लिन ने पूछा, तुम दोनों मिले कैसे थे, क्या तुम उसे प्यार करते हो? रॉबर्ट ने कहा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। घर आते वक्त मैग डार्लिन से कहती है कि रॉबर्ट के ऑफिस में चलो, वहां से मुझे पिक कर लेंगे। मैग को वहां पर पता चलता है कि रॉबर्ट अपने ऑफिस में आया ही नहीं था। मैग ने कहा कि तुम अपने ऑफिस में नहीं थे। रॉबर्ट कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम आई होगी। इस तरीके से उसका झूठ पकड़ने के बाद मैग को जरा बुरा लगता है। नेक्स्ट दिन में सब लोग ओपेरा देखने के लिए गए हुए थे। अर्लिन और टपी को एक साथ बात करता देख उसके बारे में वो गॉसिप करने लग गए। वो किस तरीके की औरत है ये सब वो बात कर रहे थे, तो इसमें मैग भी बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाती है। एक लेडी ने कहा कि रॉबर्ट उसे जानता है तो इस बात को डिनाई करता है। वो मैग से कहता है कि मैं सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट देखता हूँ। इस तरीके का लोगों का देखना है अर्लिन को अच्छा नहीं लगता। अब उसे मैग भी देखने लग गई थी तो ये बात उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती है। उसने टपी से कहा कि हम दोनों को कहीं और जाना चाहिए, तो टपी भी इस बात के लिए मान जाता है। टपी को अर्लिन के बारे में पता था कि उसका पास्ट उतना अच्छा नहीं है, पर वो जैसी है वैसे उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। टपी की भी 2-3 एक्स वाइफ रह चुकी थी। अर्लिन फिर उसे अपने घर पर लेकर आए। घर आने पर मैग रॉबर्ट से कहती कि तुम्हें अर्लिन को हेल्प नहीं करना चाहिए, हम सबको पता है कि वो किस तरीके से पैसे कमाती है। रॉबर्ट कहता है कि सिर्फ मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ। मैग का मूड अच्छा करने के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट उसे पहले ही दे देता है। मैग को बहुत ही पसंद आया। अर्लिन टपी को अपने घर पर लेकर आई थी। उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो टपी ने कहा कि शायद मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। अर्लिन कहती है कि मेरी कोई भी शादी टिकी नहीं है। स्लोली स्लोली प्यार कम होता जाता है और आप स्टक महसूस करते हो। टपी ने कहा कि शायद तुम राइट पर्सन से कभी मिली नहीं, इसी वजह से तुम्हें ये सब लगता है। अर्लिन कहती कि सब गलती शायद मेरी ही थी। टपी उसके पास आ गया और उसे किस करने वाला था, तो अर्लिन कहती कि मुझे सिगरेट की स्मोक अच्छी नहीं लगती। टपी वही के वही हमेशा के लिए सिगरेट पीना छोड़ देता है। जाते जाते वो कहकर गया कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब नेक्स्ट डे मैग की बर्थडे पार्टी थी। डार्लिन उसके लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है। मैग ने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लोगों को अगर पता चला तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। डार्लिन कहता है कि मुझे इस सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी सहारे की जरूरत पड़े तो हमेशा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पार्टी में रॉबर्ट का एक एम्प्लॉय आया हुआ था जिसकी पेमेंट बाकी थी। उसकी पेमेंट करने के लिए मैग रॉबर्ट के ऑफिस में चली गई। वो एक चेक लिखती है, पर इसमें उसे पता चला कि रॉबर्ट ने अर्लिन के नाम पर बहुत सारे पैसों के चेक्स लिखे हैं। उसे भी लगने लग गया कि रॉबर्ट और अर्लिन के बीच में अफेयर चल रहा है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। अपने एक फ्रेंड को बात बताती है तो फ्रेंड ने कहा कि अर्लिन उसी टाइप की है, हर एक आदमी को फंसा देती है। मैग को अच्छा फील कराने के लिए उसे शॉपिंग पे लेकर गई। पैरेलल में आज रॉबर्ट टपी के साथ गेम खेल रहा था। टपी ने कहा कि मैं और अर्लिन एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, तुम्हारे साथ उसकी जो भी रिलेशनशिप है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। रॉबर्ट को ये बात बहुत ही अलग लगी क्योंकि रॉबर्ट और अर्लिन की रिलेशनशिप को लोग इस तरीके से जज कर रहे हैं। वो डायरेक्टली अर्लिन से बात करता है, कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए मैं रेडी हूँ, पर तुम्हें अभी के अभी सिटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। अर्लिन ने कहा कि मुझे मैग से बात करनी है, मैं उसकी मदर हूँ और उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, ये सब चीज़ें मुझे उसे एक्सप्लेन करनी है। रॉबर्ट कहता है कि इन सब चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खुश है और उसे इस सब की ज़रूरत नहीं है। इस एक बात को लेकर अर्लिन रॉबर्ट को ब्लैकमेल कर रही थी, इसी वजह से रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे। एक्चुअल में उन दोनों के बीच में कुछ भी अफेयर चल नहीं रहा। एक आदमी जिसका नाम था डम भी ये सब बात सुन लेता है, पर वो सो रहा था तो अर्लिन उसके पास आके उसे पूछता है कि क्या तुम मैग की मदर हो। अर्लिन ने कहा कि तुमने सपना देखा, फिर से सो जाओ। बाहर पार्टी चल रही थी पर मैग अंदर बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। उसे तो लगता है कि अर्लिन और रॉबर्ट के बीच में अफेयर है। गुस्से में जिस तरीके की ड्रेस अर्लिन की थी उसी टाइप की ड्रेस उसने पाय कर ली थी और उस सबके सामने आ जाती है। रॉबर्ट उसे लेकर जा रहा था पर उसे कहती है मुझे तुम्हारे और अर्लिन के बारे में पता चल गया, आज तुम मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत मत करना। पार्टी में बात करते करते डम्बी ने लोगों से कहा कि मैग और अर्लिन सेम ही लगती है, पर उसे कोई भी ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। पार्टी में मैग और अर्लिन की ड्रेस सेम है। डार्लिन को लगता है कि वो मैग है और वो अर्लिन के पास पहुंच गया और उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो अर्लिन को देखकर सरप्राइज तो था और उसे कहता है कि टपी के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है, रॉबर्ट उससे ज्यादा अमीर है, तुम्हें उसके साथ अफेयर कंटिन्यू करना चाहिए। मैग रॉबर्ट को छोड़ने से डरती है, तो अगर वो तुमसे शादी कर लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
पार्टी में टबी के फ्रेंड्स उसे समझा रहे थे कि आर्लिन के साथ उसके रिलेशनशिप उसे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। टबी ने कहा कि अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, उसे फिर से कोई भी मिलने नहीं वाली और आर्लिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स ने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। टबी ने कहा कि अगर वो ब्यूटीफुल नहीं होती तो मैं भी उसे कोई भी भाव नहीं देता। उसे रिलेशनशिप एक बिजनेस की तरह लगती है, पर फिर भी आर्लिन से वो बहुत प्यार करता था। मैक डिस्टर्ब होकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर दिया। रॉबर्ट ने उसे रोकने की कोशिश की पर उसे कोई भी बात वो नहीं मानती। मैक को अपसेट देख डार्लिन उसके पास पहुंच जाता है। उसने कहा कि आर्लिन बहुत बूढ़ी है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। उसके पास आकर उसे किस कर लेता है। डिस्टर्ब होकर मैक बाहर आ गए। डार्लिन ने कहा कि रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया, अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मेरी शिप में हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। रॉबर्ट मैक को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया था तो छुप जाती है। मौके का फायदा उठाकर टबी पार्टी में आर्लिन के पास आया, उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। आर्लिन भी उसका मजाक लेती है कि सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ वो शादी कर रही है, और इसके बाद इसके लिए वो मान जाती है। रॉबर्ट आर्लिन को पार्टी में देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसे और पैसे देता है और जल्दी से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है। आर्लिन ने कहा कि मैं डायरेक्टली जाकर मैक से बात कर सकती हूँ, उसे समझा सकती हूँ कि मैं और टबी अब शादी करने वाले हैं। इन दोनों का बात करना है मैक ने बाहर से देख लिया तो और भी ज़्यादा वो गुस्सा हो गया। आर्लिन अब यहाँ से निकल रही थी तो फाइनली मैक से वो बात करने के लिए आई। मैक के रूम का दरवाजा खुला था। उसने रॉबर्ट के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। मैक को ढूंढते हुए रॉबर्ट भी ऊपर आ रहा था तो आर्लिन ने उसके रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट को लगता है कि मैक गुस्सा है, इसी वजह से दरवाजा खोल नहीं रही। उसे कहता है कि आर्लिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है और दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं है। रॉबर्ट के जाने के बाद अर्लिन टबी के पास आई और उसे कहती कि रॉबर्ट को आज रात घर के बाहर ही रखो। टबी ने पूछा कि ऐसा क्यों। अर्लिन कहती कि अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो बहुत सारे सवाल तुम्हें नहीं पूछने पड़ेंगे, बहुत बार तो मेरे क्वेश्चन के मुझे ही आंसर पता नहीं होते। टबी भी ये बात मान जाता है। एक्चुअल में मैग ये डार्लिंग के बोट पर आ गई थी, उसी के साथ वो भाग जाने वाली थी। उसे समझाने के लिए बोट पर अर्लिन आ जाती है। वो कहती कि तुम्हें अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहिए, हम दोनों के बीच में कुछ भी अफेयर नहीं चल रहा। मैं उसके एक रिलेटिव हूँ और इसी वजह से वो मुझे पैसे दे रहा था। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ही प्यार करता है। मैग उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करती तो आर्लिन ने कहा कि अगर तुम इस तरीके से चली जाओगी तुम्हारी लाइफ बहुत ही बदतर बन जाएगी, लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करते रहेंगे। तुम अभी रिग्रेट नहीं करोगी पर 20-30 साल में तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा, इस तरीके से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैग भी इस बात को समझ रही थी तभी टबी रॉबर्ट और डार्लिन को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। ये सब मिलकर अर्लिन के बारे में बात करने लग गए। वो फिर से टबी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। टबी कहता है कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला। यहाँ पर एक आदमी को रॉबर्ट ने मैक को जो हैंड फैन दिया था ये मिल जाता है। रॉबर्ट कन्फ्यूज हो गया कि मैक का फैन यहाँ पर आया कैसे। अगर उसे पता चलता कि मैक यहाँ पर है तो उसका मैरिज हमेशा के लिए टूट जाता। अर्लिन उसे बचाने के लिए नीचे से ऊपर आ जाती है। ये बोट डार्लिन की थी तो टबी को लगता है कि अर्लिन और डार्लिन इन दोनों में अफेयर चल रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। सुबह होने पर रॉबर्ट घर पर आया तो मैक उसे घर पर ही मिलती है। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। बातों बातों में मैक को पता चला कि टबी ने अर्लिन से ब्रेकअप कर लिया है। उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आज लास्ट टाइम अर्लिन मैक से मिलने के लिए आई हुई थी। रॉबर्ट ने अर्लिन से बात की, कहा कि अगर तुम सचमुच में मैक से प्यार करती तो इस तरीके से उसे छोड़कर नहीं जाती। अर्लिन ने कहा कि जिस तरीके का मेरा मैरिज था उसमें मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है पर तभी मैग वहाँ पर आके मैग ने कहा कि मेरी वजह से तुम्हारा मैरिज टूट गया, मैं रॉबर्ट को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अर्लिन कहती कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो यही तुम्हारे लिए एक सच है। उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है। मैग ने कहा कि मैं मेरी मदर की प्रॉमिस लेती हूँ, मेरी मदर मेरी गार्डियन एंजल है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। ये बात सुनने के बाद अर्लिन यहाँ से जाने लग गई। रॉबर्ट ने कहा कि तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। अर्लिन ने कहा कि मैग अपनी मदर को भगवान समान मानती है, उसकी इस फेथ को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। जाते जाते रॉबर्ट ने जो भी पैसे अर्लिन को दिए थे ये सब कुछ वो रिटर्न कर जाती है। मैग और रॉबर्ट के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अर्लिन जब प्लेन में बैठी तो टबी उसका वेट कर रहा था। टबी कहता है कि मैग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अर्लिन ने जब उसे पूछा कि उसने क्या क्या बताया तो मैग ने सब कुछ झूठ बोला था, उसका मैरिज बचाने के लिए उसने उसे हेल्प कर दी। टबी अर्लिन के साथ बहुत ही खुश था और अर्लिन को भी वो पसंद आया था। अब एक अलग कंट्री में जाकर ये फिर से अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।
हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।